ये हमारे साथ मुजफ्फरपुर जिलाधिकारी सुब्रत सिंह साहब हैं, इनसे बात करेंगे। सर, क्या कुछ घटना हुई थी अभी यहाँ पे? एयरफोर्स का एक चॉपर था, हेलीकॉप्टर था, संभवतः उसमें कोई समस्या आ गई होगी तकनीकी, तो प्रिकॉशनरी लैंडिंग, जिसको आपात लैंडिंग भी हम लोग बोलते हैं, तो पायलट ने सूझबूझ का परिचय देते हुए प्रिकॉशनरी लैंडिंग कराई और चारों जो उसमें एयरफोर्स के जवान और पदाधिकारी पायलट सब लोग सुरक्षित हैं। SDRF की टीम वहाँ प्रतिनियुक्त थी, उनका रिस्पॉन्स टाइम बहुत अच्छा था, कुछ मिनटों में वहाँ पहुँच गई और स्थानीय लोगों के सहयोग से सभी को सुरक्षित निकाला गया है और उसको और उन लोगों को हम लोगों ने एम्बुलेंस के माध्यम से SKMCH भेजा है और फर्दर उनके बेहतर इलाज के लिए एयरफोर्स का एक दूसरा हेलीकॉप्टर SKMCH में लैंड किया और उन जवान और पदाधिकारियों को लेकर के बेहतर ट्रीटमेंट के लिए वो प्रस्थान कर गया। सभी जवान सुरक्षित हैं, कोई मेजर इंजरी नहीं है जैसा डॉक्टर्स ने बताया है, तो माइनर इंजरी है और फर्दर जब इन्वेस्टिगेशन होगा तो पता चल पाएगा कि किसी को किसी प्रकार के, लेकिन सभी लोग बात कर रहे थे, अब कॉन्शस थे, कहीं पर कोई समस्या नहीं है। रिस्पांस टाइम हम लोगों का बहुत बेहतर रहा है, जिसका ये प्रभाव रहा है कि किसी को कोई गंभीर कोई परिस्थिति उत्पन्न नहीं हो पाई और किसी तरह की कोई समस्या नहीं हुई। हमारे साथ मुजफ्फरपुर जिलाधिकारी थे, सभी जवानों को सुरक्षित निकाल लिया गया है और उनको गंतव्य स्थान पर पहुंचा दिया गया है और साथ ही जो है पूरी तरह जो है हेलीकॉप्टर की सुरक्षा को लेकर भी पुलिस की तैनाती कर दी गई है। मनीतोष कुमार, जी मीडिया, मुजफ्फरपुर।